हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन्स ऑफ प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द बीटेक कोर्स इन इंजीनियरिंग फॉर द सेशन 2021 इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, इन्होंने टेंटिव मेरिट लिस्ट निकाल दी है कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया था जेके बोप में फॉर द इंजीनियरिंग कोर्स 2021। तो इन्होंने ये बताया, इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक द बोर्ड अबाउट रेफर्ड नोटिफिकेशन नोटिस हैज बीन गिवन एम्पल टाइम टू द कैंडिडेट फॉर द फिलिंग अप ऑफ अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग द मार्क्स कार्ड एंड एडिटिंग द मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हूज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर कट ऑफ डेट फिक्स बाय द बोर्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बोर्ड ने बोला है कि हमने कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए काफ़ी उन्होंने टाइम दिया था स्टूडेंट्स को जिनकी मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं हुई थी, जिनके एडिटिंग मार्क्स में होनी थी, लेकिन उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स ने अभी तक इसमें फिलअप नहीं किए थे। इन्होंने अभी कनेक्शन ए में ये लिस्ट निकाली है। तो बोर्ड इज़ नाउ एट द फाइनल स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस टू द फोर सेट कोर्स एंड द टेंटिव मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विच इज़ नेक्स्ट एज एनेक्सचर ए टू दिस नोटिफिकेशन एंड द सेम इज़ अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट with an intent to place the same in the public domain to call for objections if any। तो इन्होंने एनेक्शर ए में ये जो लिस्ट है वो निकाल दी है। और जो इनका रिटर्न टेस्ट था वो नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने चैनल में कई बार कि रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, ओनली मेरिट बेसिस पे होगा, क्योंकि काफ़ी कम फॉर्म्स लगे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। ठीक है, इन्होंने लिखा, इन कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड द लेसन नंबर ऑफ द कॉम्पिटिंग कैंडिडेट टू परस्यू द कोर्स, द बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट देयर इज नो रिटर्न टेस्ट एंड द टेंटिव मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन prepare taking into account their marks in the qualifying examination, that is 10+2 marks for the candidates having equal marks percentage in the qualifying examination, and the tie has been decided to be resolved firstly on the basis of the marks card obtained by the candidates in 12th class। तो ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स के जो भी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10+2 के मार्क्स कार्ड के ऊपर बनेगी, और किसी के मार्क्स कार्ड सेम है फॉलोड बाय द मार्क्स कार्ड ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स देन इन फिजिक्स एंड लेटर ऑन द केमिस्ट्री। तो उस केस में वो क्या होगा कि पहले वो मैथ्स के उनके मार्क्स देखेंगे, फिर फिजिक्स के देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के देखेंगे। अगर उसमें भी वो टाई आता है, अगर सेम मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो अब उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। ठीक है, अकाउंट फॉलोड बाय द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द कैंडिडेट नेम मेंशन इन ई ब्राउचर। ठीक है, ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो ऐसे तो वैसे बड़ा रेयर चांस होगा कि 10+2 के मार्क्स सेम है, उसके बाद मैथ्स में भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, ऐसे उसके बाद फिर ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, कैंडिडेट्स हूज रिजल्ट इज अवेटेड एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द टेंटिव मेरिट लिस्ट, हाउएवर देयर एक्चुअल मेरिट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट वंस द बोर्ड रिसीव देयर क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है, हैज़ बीन इंक्लूडेड एट द एंड, उन्होंने इंक्लूड किया है इसमें टेंटिव मेरिट लिस्ट में, एंड द एक्चुअल मेरिट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट वंस द बोर्ड रिसीव द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो लिस्ट है उसमें लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी रखा है जिनका मार्क्स कार्ड इनको अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो वेट कर रहे हैं, उनका मार्क्स कार्ड मिलेगा तो फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट को फाइनल इशू वो कर देंगे। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी जेंट के स्पोर्ट्स काउंसिल इन विच दे हैव रिकमेंडेड फ्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स, और कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी के भी कुछ स्टूडेंट्स थे उनका भी उनको रिसीव हुआ है कैटेगरी इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो वो भी उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट्स हूज कैटेगरी सर्टिफिकेट आर आइदर एक्सपायर्ड और शोन deficient, they have to clear the deficient up to 8 September। इन्होंने 8 September तक लास्ट चांस इनको दे दिए स्टूडेंट्स को कि वो अपनी deficiency को क्लियर कर सके। दे शैल ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज ओपन मेरिट। अगर इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और वो अभी भी deficient दिखा रहा है, तो 8 September तक अपना नया सर्टिफिकेट अपलोड या सबमिट कर दें। वो नीचे देखते हैं क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, नहीं तो उनको ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 10th मार्क्स कार्ड के हिसाब से ही वो लेंगे। ठीक है, एंड हैव फेल्ड टू अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देयर नेम आर आल्सो इंक्लूडेड इन देयर टेंटिव मेरिट लिस्ट, लेकिन जिन्होंने डोमिसाइल अपलोड नहीं किया था उनका नाम भी इस मेरिट लिस्ट में है, और
तो उनको, लेकिन जब काउंसलिंग होगी आई थिंक उसके टाइम पे वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन होगी तब उस टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस इफ एनी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन लिस्टेड इन द टेंटिव मेरिट लिस्ट हैव टू बी सबमिटेड इन पर्सन एट द बोर्ड ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर ड्यूरिंग वर्किंग डेज 8 सितंबर। 8 सितंबर से पहले पहले आपको जो भी आपका जो शॉर्टफॉल है, जो भी आपकी कैटेगरी है डोमेसाइल अगर शॉर्टफॉल है तो उसको आप सबमिट कर सकते हो बोपी ऑफिस में पर्सनली जाके। In case no objection was received within the cut-off date fixed by the board, tentative merit list shall be deemed to be the final. अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते तो यही merit list final consider की जाएगी, ठीक है। In case the candidates whose marks card are deficient, the board has decided to give final chance to them for submission of the marks card at BOPI office all working days up to 8 September. 8 September, अगर आपकी marks card अभी तक अपलोड नहीं की थी आपने तो उन्होंने एक लास्ट चांस आपको दी है 8 September से पहले पहले 8 September तक आप ये सबमिट कर सकते हो बोपी ऑफिस में पर्सनली जाके, ठीक है। टेंटिव मेरिट लिस्ट शैल बी ऑपरेशनल ओनली आफ्टर अपडेटिंग द मार्क्स स्कोर ऑफ द डेफिशिएंट कैंडिडेट्स एंड एनी अदर पेंडिंग डेफिशिएंसी बाय द कैंडिडेट टिल द स्टिपुलेटेड डेट टाइम एंड अकॉर्डिंग रैंक शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स वंस द बोर्ड क्लैरिफाई द ऑब्जेक्शन। अगर उनको ऑब्जेक्शन मिलती हैं तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा बोर्ड, और अगर नहीं मिलते तो फिर टेंटिव वो रैंक लिस्ट निकालेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर काउंसलिंग की शेड्यूल होगा जो आपको बोपी ऑफिस में जाना होगा। तो अगर हम अब चले नीचे तो हम यहां पे ये देख सकते हैं, जैसे इसमें एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम, परसेंटेज, फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो उसके नंबर है वो दिखा रहा है, फिर कैटेगरी भी वो दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे किसी का शॉर्टफॉल दिखा रहा है तो एमसी आगे लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी होगी मार्क्स कार्ड, इन्होंने मार्क्स कार्ड अभी तक अपलोड नहीं किए, मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज आप देखिए, फर्स्ट रैंक की 99.20% है, वैसे वैसे परसेंटेज नीचे आती जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। अच्छा तो फिर ये आप ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मेन चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि बोर्ड ने बोला है कि काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आई थिंक 2600 हैं टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक सेकंड, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए, जिनका कोई भी शॉर्टफॉल नहीं है वो अप्रॉक्सीमेटली 2106 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जिनका अभी भी मार्क्स कार्ड का इशू आ रहा है लेकिन उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और लेकिन वो देखिए 44.60% है लास्ट वालों की, ठीक है। तो इनका आई थिंक कैटेगरी है तभी इसमें इनका डाउन तक परसेंटेज दिखा रहा है, और बाकियों में 000 दिखा रहा है, इनका मास्क कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो इनकी परसेंटेज अभी तक इनको क्लियर नहीं हुई, क्योंकि मास्क कार्ड ही नहीं तो अपलोड कैसे होगा। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 2100 अप्रॉक्सीमेटली या आई थिंक 6 तक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो दिखा रहा है यहाँ पे इस लिस्ट में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स कार्ड अभी तक अपलोड नहीं है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स अगर मैं देखना आ चाहूँ वो है 2600 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म में अप्लाई किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स कार्ड अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो 2100 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने इसमें प्रॉपर तरीके से नाम आया है इस लिस्ट में नेक्स्ट ईयर ए में। तो ये आ गया आपका नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एडमिशन्स इन द इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में आपको सबको समझा दिया, 8 सितंबर तक अभी तक टाइम है आपके पास, अब अपनी मार्क्स कार्ड के बारे में अपलोड आप कर सकते हो। अगर मैं जीएनएम की बात करूँ, जीएनएम की काउंसलिंग भी चल रही है, उसका जो कल का सीट मैट्रिक्स है वो भी आ चुका है, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, 1 सेकेंड। तो जीएनएम की जो काउंसलिंग हो रही है उसका मैं वो गवर्नमेंट का थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ। अभी भी इसमें कैटेगरी की सीट्स अभी भी दिखा रहा है कल की काउंसलिंग के लिए, ये देखिए 33 की सीट्स के अप्रॉक्सीमेट दिखा रहा है, जिसमें कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, बख्शीनगर जम्मू में अभी 7 सीट्स दिखा रहा है कैटेगरी की, 3 CDP की हैं, 3 SP की और 1 JKPM की है। अखनूर में एक ही सीट है कैटेगरी की, जीएनएम स्कूल अखनूर में एक ही सीट है वो CDP की है। फिर आपकी जीएनएम स्कूल कठुआ में भी एक ही कैटेगरी की सीट है वो भी CDP की है। फिर आपकी जीएनएम स्कूल उधमपुर में भी एक ही सीट है दिखा रहा है और वो है JKPM की। और उसके बाद AMT स्कूल कुपवाड़ा में है आपकी कैटेगरी 3 सीट है जिसमें 2 SC की हैं और 1 ALC की है। फिर उसके बाद AMT स्कूल श्रीनगर में 9 सीटें दिखा रहा है अभी भी, और 2 सीटें ALC की, 5 सीटें CDP की, 2 सीटें SP की हैं।
फिर जीएनएम स्कूल कुलगाम की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी की 3 सीटें हैं, जिसमें एससी की 1, एलसी की 1 और एसपी की 1 सीट है। और पुलवामा में अभी भी 2 सीटें दिखा रहा है कैटेगरी की, जिसमें से एससी की 1 सीट है और एसपी की 1 सीट है। फिर गवर्नमेंट स्कूल नर्सिंग अनंतनाग में 2 सीटें दिखा रहा है, जिसमें से आपकी एलसी की 1 सीट है और सीडीपी की 1 सीट है। बारामूला की अगर मैं बात करूँ, 4 सीटें दिखा रहा है कैटेगरी की, जिसमें 1 सीट एससी की है, 1 सीट एलसी की है और एक एक सीट सीडीपी और एसपी की है। तो अभी भी 33 सीट्स ये दिखा रहा है कैटेगरी की, जो लोकल काउंसिल के लिए जा रहे हैं, तो अभी भी आपका चांस है अगर आपकी कैटेगरी में कैटेगरी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो कैन सब्सक्राइब माई चैनल। डेली बेसिस पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर द जे एंड के स्टूडेंट्स, और मैं कल एम सी क्यूज भी अपलोड करूँगा, जो नीट और बी सी नर्सिंग के जो पेपर हो रहे हैं उसकी जो सेकेंड वीडियो है एम सी क्यूज़ की, वो कल अपलोड करूँगा। थोड़ा डिले हो चुका है 2-3 दिन, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन्स में अपलोड नहीं कर पाया था। कल एम सी क्यू की वीडियो मैं डाल दूँगा अपने चैनल पर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जे के वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आई डी है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।